बिहार के सड़े गले व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिन पीएमसीएच अस्पताल की बदहाली को देखने रात्रि में गए थे, फिर उन्होंने बैठक की और 60 दिन का समय दिया और उन्होंने कहा कि व्यवस्था सुदृढ़ की जाए वरना कार्रवाई की जाएगी। फिर अचानक एनएमसीएच रात्रि में औचक निरीक्षण में तेजस्वी यादव पहुंचे, चूंकि वे स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और पहुंचने पर जो वहां की हालत उन्होंने देखा, देखकर दंग रह गए कि गेट पर ही पानी जमा हुआ, नल टूटा हुआ, गंदगी का अंबार, दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, मरीज करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव भौचक रह गए और एनएमसीएच के अधीक्षक गायब भी पाए गए। ऐसी स्थिति को देखते हुए तेजस्वी यादव के सामने मरीजों ने आप बीती सुनाई और एक बच्ची ने एनएमसीएच का खुलासा किया। ऐसी हरकत के बाद तेजस्वी यादव दंग रह गए और उन्होंने कही थी कि दवाई सिंचाई कार्रवाई की जो सरकार है, जो नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन की सरकार बनी है, उसमें अच्छे काम करने वाले को पारितोषित किया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा और सही काम नहीं करने वाले को दंड दिया जाएगा। और दंड के दरमियान में ही एनएमसीएच के अधीक्षक सुपरिटेंडेंट, जिसे आप कह सकते हैं, विनोद कुमार सिंह को लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दी गई है। सूत्र के हवाले से यह जानकारी मिली है कि आज की बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने जनता के भरोसा को बरकरार रखने के लिए कार्रवाई करते हुए एनएमसीएच के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह को निलंबित किया और दवाई सफाई कार्रवाई सहित अन्य मुद्दा को उन्होंने बरकरार रखने का ऐलान किया है और कहा है कि जो काम सही ढंग से नहीं करेंगे उन्हें निलंबित किया जाएगा। मैंने पहले कहा कि बिहार के सड़े गले व्यवस्था, तो बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार थी, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं थी। घुसखोरी का बाजार गर्म है, अफसरशाही बढ़ी हुई है, अफसर खुलेआम घूस मांगते हैं काम करने के नाम पर और कहीं कोई रोक टोक नहीं है। इस चुनौती भरे भ्रष्टाचार के वक्त में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार के साझेदार हैं। अब देखना यह है कि क्या तेजस्वी यादव हर डिपार्टमेंट में पदाधिकारियों में डर पैदा करके उनके घुसखोरी को बंद करा पाएंगे या घुसखोरी और लापरवाही इसी तरह चलता रहेगा। वक्त रहते पता चल पाएगा, क्योंकि लोगों की उम्मीद और आशा तेजस्वी के साथ ज्यादा लगी हुई है, लेकिन अफसरों पर नकेल कसना अभी भी बाकी है। यह पहला कदम कहा जा सकता है। वीडियो आप देख रहे हैं खबर बिहार 24 चैनल के माध्यम से और मैं विवेक का। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।